हैप्पी बर्थडे टू यू। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम 43 इयर्स के हो गए हैं। सोनू ने पिछले 25 साल से बॉलीवुड में कई ऐसे बेहतरीन गाने गाए जो उनके फैंस के दिलों पे आज भी राज करते हैं। तो चलिए, ये अच्छा मौका है कि हम उनके फैंस के पास जाएं और जाने क्या कि वो उनको क्या विशेष देना चाहते हैं। सोनू निगम, आपके फेवरेट सिंगर का बर्थडे आ रहा है 30 जुलाई को, सो कितने एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे, उनकी क्या विशेष देना चाहेंगे उनको? सोनू निगम तो मेरे वैसे फेवरेट है क्योंकि उनका गाना तो मुझे बहुत, मतलब बहुत दिल के पास है मेरे उनका गाना, कि मेरे हर दम उनका गाना मैं सुनता हूँ कभी भी। मैं आपके बहुत सारे गाने मैंने सुने हैं पहले से ही, आपका जब एल्बम आया था दीवाना एल्बम, उसके मतलब मैं और मेरी बड़ी बहन हम बहुत सुनते थे। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी और उस टाइम इतने सॉन्ग्स इजीली अवेलेबल नहीं थे, बट स्टिल हम कैसेट वगैरह लेके सुनते थे। एंड अभी तक मेरे मोबाइल में 2-3 गाने आपके हैं दीवाना एल्बम से, और जो बिपाशा बासु के साथ आपने एक एल्बम किया था आई थिंक तू कब ये जानेगी, वो भी बहुत पसंद है मुझे। और वो तुझे लगना नजरिया ओढ़ले चुनरिया, वो वाले जब एल्बम बेसिकली आपने जो किया था ना, वो बहुत पसंद है। एंड अभी भी लेटेस्ट जो आपके सब शाहरुख हो या कौन, सलमान या ऋतिक रोशन का जो अभी मुझ में कहीं, वो तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। वो कभी भी सुनो तो रोना आ जाता है, इमोशनल हो जाती हूँ मैं। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है बिकॉज आई एम अ डांसर, और वो सब मूव्स आ जाते हैं, कंटेम्प्ररी का सब स्टाइल आ जाता है उन गानों में से, तो आई रियली लाइक। सोनू निगम सर जो है वो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और वर्सेटाइल सिंगर हैं। उनसे आप, उनके कोई भी गाने आप सुनिए, और बतौर संगीत के बारे में अगर आप संगीत का जैस उनको लेकर अगर सोचेंगे तो वो बहुत ही गहराई से गाने गाते हैं और मुझे बहुत पसंद है, और उनके गाने मैं काफ़ी सुनता हूँ। उन्होंने हिंदी इंग्लिश बॉलीवुड में तो वैसे वो सुपरस्टार हैं, और मैंने अपने कॉलेज टाइम में उनके बहुत गाने सुने। सोनू निगम जी, आप इसी तरह से गाते रहें, देश का मान सम्मान बढ़ाते रहें, और आप हमारे देश को और ऊँचाइयों पर ले जाएँ, यही हमारी शुभकामनाएँ। मैं तो यही विशेष देना चाहूँगा, मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ उनके न्यू सॉन्ग्स आते रहें, आई एम वेटिंग फॉर सॉन्ग्स सोनू निगम। काफ़ी उनके सॉन्ग्स हैं, मैं इन्जॉय करता रहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, तो मैं तो विश करूँगा कि वो इसी तरह से जैसा वो गा रहे हैं अभी तक, उसी तरह से वो गाते रहें फॉरएवर। के गाने आप गा सकते हैं, मतलब उनको उनके विशेष के लिए कुछ गाने गा सकते हैं? हाँ जरूर, डेफिनेटली गाइए। अभी मुझ में कही बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। हाँ, गर्लफ्रेंड के लिए गाने गाए, अपने लिए भी, और कुछ भी, जैसे उनके शाहरुख खान के कई सारे गाने हैं, गुमशुदा, देखने में है हंसी रहती है यहीं कहीं, खो गई। सर की हम ये भी जानते हैं, जैसे आपने बताया कि आप डबिंग आर्टिस्ट हैं, तो कभी सोनू निगम से मिलने का मौका मिला आपको? यू नो, विश होती है स्टार से मिलने का, मिला नहीं एक्चुअली, देखा मैंने उनको। मैं एक बाजू लाइक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में डबिंग कर रही थी, और वो म्यूज़िक के स्टूडियो में उनका कोई गाना का रिकॉर्डिंग चल रहा था, तब जस्ट मैंने एक छोटा सा हल्का सा पीप किया तो मुझे दिखे वो कुछ सिंगिंग कर रहे थे, तो दैट्स इट। और वी वर एक्चुअली वेटिंग फॉर हिम कि वो कब आए, तो एक सेल्फी तो मिले उनके साथ, बट नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम ही आया। मतलब उनको देखा हो एक दो बार, कहाँ पर भी देखा हो, मतलब ऐसा मॉल में ही देखा हो एक बार, लेकिन मतलब ऐसा कभी मिलने का सामने से चांस नहीं होगा। क्या गिफ्ट देना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले उनसे मिलने का, तो क्या गिफ्ट देना चाहेंगे 30 तारीख को उनको आज के दिन? गिफ्ट क्या है, बस मेरे दिल की चाहत है उनके लिए कि वो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे गाने गाते रहें हमारे लिए, लोगों के लिए, बस यही है। मिलने का मौका मिलेगा तो एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता देना चाहूँगा। सर अब ये मैं उनके लिए जो भी गिफ्ट दूंगा, तो मेरी समझ से तो छोटा ही गिफ्ट होगा, क्योंकि उनके लिए दिल पे तो काफ़ी कुछ है, मेरी समझ से मैं उन्हें कुछ दे नहीं सकता हूँ,
जो भी होगा बस अब ये तो मैं दिल पे ही रखना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ जी। मैं उनके उनको बहुत मतलब जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे सर एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप और और अच्छे गाने और आप हमारे लाइफ में लेके आए। आई एक्चुअली रियली लाइक हिम एज इन उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, हैंडसम भी है, लाइक एक्टिंग भी की है उन्होंने, तो एक ऐसे मतलब कंप्लीट पैकेज है, लाइक जस्ट नॉट अ सिंगर बट पर्सनैलिटी भी अच्छी है, लुक्स भी अच्छे, सब अच्छे है। आई जस्ट वांट टू से दैट आप और ज़्यादा गाने गाओ, आप आजकल बहुत कम होते जा रहे हो, तो आओ, मतलब कॉम्पिटिशन है अरिजीत सिंह वगैरह बहुत सारी कॉम्पिटिशन है, बट आप यू आर द बेस्ट, आपका कुछ यू नो कॉम्पिटिशन नहीं, कंपेरिजन नहीं है, यू आर दी सोनू निगम, सो प्लीज डू सॉन्ग्स फॉर अस एंड इमोशनल सॉन्ग्स बेसिकली बहुत अच्छे गाते हैं, दिल से गाते हैं आप, सो विशिंग यू हैप्पी बर्थडे सोनू निगम। सोनू निगम सर हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्गेस्ट टू यू। सोनू जी हैप्पी बर्थडे टू यू। बस मेरी यही उनसे भाई से और आप आपके चैनल के यही गुजारिश है कि आप देश का नाम रोशन करते रहें सोनू जी, और हमारे देश को और अच्छे अच्छे गाने देते रहें, और हमारे जैसे लोगों को और आनंद मिलता रहे आपके गाने सुन सुन के, और आप आगे बढ़ते रहें।